तुम यहां? रजा ने भेजा क्या? मिर्जा से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं उसे नहीं भेजा हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। जो कुछ भी हुआ मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। किस बात पे? मैंने उस रोज बहुत ओवर रिएक्ट किया। मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। शायद ये मेरी खुदगर्जी है कि मुझे उस वक्त सिर्फ अपना दुख नजर आ रहा था। मैंने आपके दुख के बारे में, आपकी तकलीफ के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे इस बात को समझना चाहिए था कि इस सारे मामले में सबसे ज्यादा ज्यादती तो आपके साथ हुई है, और मैं इस बात को समझने की बजाय आपको कसूरवार समझ रही थी। लेकिन प्लीज आप मुझे माफ करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा ऐसी गलती ना करूं। ज्यादती तो शायद किस्मत ने मेरे साथ की है, तुमने नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। क्या हम उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो इस गलत फहमी के बिना पर टूट गया? हरगिज नहीं। तुम दोनों बहन भाइयों को क्या लगता है, ये दुनिया तुम लोगों के मुताबिक चलती है क्या? और मेरे हाथ में कुछ जादू की छड़ी है जो मैं घुमाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, और ना ही अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है। हमदान, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं और आपके साथ रहना चाहती हूं। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ।
नहीं रहना मुझे किसी के साथ भी। मैं अब किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। मैं रिश्ते से नफरत हो गई है मुझे, थक गया हूं सबको खुश कर करके। नहीं कर सकता अब मैं ये। मैं अकेला रहना चाहता हूं। प्लीज तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो मेरी खातिर? मत करो ऐसा, मत करो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ताह के लिए समझने की कोशिश करो। मैं सुकून से रहना चाहता हूं, तन्हा रहना चाहता हूं मैं। तुम्हारा के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे यूं लग रहा है कि हर तरफ से मुझे कोई ना कोई खींच रहा है, कोई इधर से कोई उधर से। प्लीज यार, just leave me alone। तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? करती हो ना? तो फिर एक काम कर दो मेरा, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे पास अब तुम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम क्यों आए हो अब यहां? मैं बहुत उम्मीद लेकर यहां आया हूं ना, प्लीज मुझे मायूस मत करना। मांगने की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती राजा। मैं जानता हूं मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुमसे आंख मिलाने के भी काबिल नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए पुरानी सब बातों को बुलाना बहुत जरूरी है ना। अब क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़की से इतनी घटिया बात करते हुए? वो रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है ना, ऐसे रिश्ते पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वैसे भी तुम दोनों इस रिश्ते से तंग हो ना। दूर रहो मुझसे। देखो है ना, प्लीज मेरी बात मान लो। क्यों अपने आप को इस मुश्किल में डाल रही हो? सब कुछ पहले जैसा करने के लिए हमें यह करना ही होगा। मैं जानता हूं मैं आज भी तुम्हारे दिल में मौजूद हूं। एक मौका दो, मैं तुम्हारे सब दुखों का अजाला कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम्हारी बहन की शादी हमदान से हो जाए? उस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन ऐना, तुमसे शादी का फैसला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं। उसी मोहब्बत की बात कर रहे हो ना, जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे बाप का सर झुका दिया, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तब तो तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ, तुम तो अपनी जिंदगी में मगन थे। और अब तुम्हें वही मोहब्बत याद आ रही है जो कब की मर चुकी है। मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुआ है ना, मैं मानता हूं। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था, सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। मॉम डैड इस तरह रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मजबूर नहीं थे तुम, बस वो चैलेंज पूरा करना चाहते थे जो मेरे बाद तुमने जीता था। तुम्हारे इस मोहब्बत के धोखे ने मुझे कितना बेमोल कर दिया, मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मैं रोज जीती थी, रोज मरती थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि कोई ऐना थी जिसका तुमने दिल दुखाया था।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है ना। ये एहसास तुम्हें अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वही सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा है जो तुमने मेरे साथ किया था ना। पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने लड़के हैं जिनकी वजह से रोज कोई ना कोई लड़की मोहब्बत के नाम पर कुर्बान हो रही होती है, और तुम लोग बस अपनी अना की जीत मनाते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। तुम्हारे साथ की गई ज्यादती का मैं बहुत बड़ा बदला दे चुका हूं ना। मेरा यकीन करो, मैं सच में बदल चुका हूं। बदल तो मैं भी बहुत गई हूं रजा, और यकीन करो तुम क्या, मुझे किसी पर भी यकीन करने का दिल नहीं करता। और ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन का रास्ता साफ करके आई हूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और लड़की कभी मोहब्बत से एतबार टूटे, कोई और लड़की भी रोज मरे, कोई और लड़की ऐना बने। ऐसा मत कहो है, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमदान मुझे उस दिन घर छोड़ने ना आया होता और तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी होती उससे, तो क्या तुम तब भी इतने शर्मिंदा होते? तुम्हें तो याद भी नहीं होता कि कोई लड़की थी है ना जिसका तुमने दिल दुखाया था। है ना मैम? चले जाओ यहाँ से। तुमसे मैं नफरत का रिश्ता तक नहीं रखना चाहती। इसी चले जाओ यहाँ से अभी उसी वक्त। और सुनो, एक बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर उस दिन तुम मुझे नहीं धुतकारते तो मैं कभी भी मर्द का वो हसीन रूप नहीं देख सकती जो मैंने हमदान के साथ रहकर देखा। जो इज्जत, मान और एतमाद उन्होंने मुझे दिया, अगर मुझे वो नहीं मिलते तो शायद मर्दों के बारे में मेरी राय कुछ और होती। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं समाज में बिना किसी मर्द के सर उठाकर जी सकती हूँ। लेकिन हर लड़की मेरे जितनी खुशनसीब नहीं होती, इसलिए लड़कियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। प्लीज चुप हो जाओ ना। प्लीज, मैं अपनी नजरों में बहुत गिर चुका हूँ, मज़ीद मत गिरो। जानता हूं मैं तुमसे माफी मांगने के काबिल नहीं, लेकिन मुझसे इतनी नफरत मत करो कि खुदा और उसके बंदे मेरी जिंदगी तंग कर दें। जिंदगी है कितनी हसीन है फिर भी कहीं अजब तन्हाई, कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे, कैसी है सदा।
जो जैसे कहे अगन दिल की सो लग जाने दिल कैसे।